तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी। मैं डिडवाड़ा गांव से पदयात्रा की शुरुआत करूंगा। टिकट देना ना देना वो भाजपा हाईकमान का काम था। आज कांग्रेस पार्टी धराशायी हो चुकी है जो फैसले अभी लिए जी। आज बड़ा जलसा, बड़ी मीटिंग और काफी कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश देखने को मिला। क्या कुछ कहेंगे इस जोश को लेकर? चुनाव नजदीक है और स्वाभाविक तौर से ये बनता ही है कार्यकर्ताओं में जोश हो। और वैसे भी सरकार दिन प्रतिदिन जो है समाज कल्याण के अनेक फैसले ले रही है, जिसमें आज प्रदेश में एक तरफा माहौल बन चुका है। सब में उत्साह और जोश है। जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा मन बना चुकी है। तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी। आपने पदयात्रा का भी फैसला लिया है, क्या कहाँ से स्टार्टिंग करो, किस तरह की? मैं डिडवाड़ा गांव से पदयात्रा की शुरुआत करूंगा, क्योंकि जो सरकार ने फैसले लिए हैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के गांव गांव जन जागरण अभियान शुरू करूंगा। वहां से हवन यज्ञ करके और पैदल चलते हुए पांचदिनीय पैदल यात्रा चलेगी। क्या समझ रहे हैं विधानसभा के लिए आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और टिकट एक महत्वपूर्ण रोल लगा? देखिए, आज हम जो है ने प्रचार प्रसार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कल्याणकारी योजनाओं का। टिकट देना ना देना वो भाजपा हाईकमान का काम है। हम वफादारी के साथ प्रचार प्रसार करेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बन सके। काफी सरपंच और ब्लॉक समिति के मेंबर भी आज आपका धन्यवाद करने के लिए आए। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सरपंचों के हक में आज 21 लाख का वो खर्च करने का उनका सरकार ने जो फैसला किया, उनकी सीमा बढ़ाई है, बहुत बड़ा फैसला है। फिर उनके मान सम्मान के लिए जब भी गांव में मुख्यमंत्री आए, मंत्री आए, विधायक आए या फिर डीसी एसपी आए, उनकी कुर्सी जो है वो मुख्यमंत्री जी के साथ लगेगी। बहुत बड़ा मान सम्मान है। 30,000 रुपये गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, उसके उपलक्ष्य में खर्चा करने का अधिकार दे दिया। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सरपंचों के पक्ष में 16 रुपये किलोमीटर के हिसाब से जब भी पंचायती वो कोई काम जाएँ या फिर हाई कोर्ट जाए या किस कोर्ट में जाए तो 16 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से भी देने का काम फैसला किया है। तो इसलिए बहुत सारे फैसले आज सरपंच सारे प्रभावित थे और सरपंचों में जो थोड़ी बहुत नाराजगी थी वो दूर हो चुकी है। और अब काफ़ी काम जो सफेदों के पाइपलाइन में है, सड़कें हैं और चीज़ें हैं, क्या वो तमाम चीज़ें अब सर जल्दी शुरू हो जाएँ, खासकर जींद से पानीपत रोड का एक बड़ा मामला है? जींद से पानीपत रोड के पैसे आ चुके हैं, परंतु जो फॉरेस्ट की जो जमीन, फॉरेस्ट के जो वृक्ष कटने हैं या दूसरी जगह लगने हैं, उनकी जगह अवेलेबल करानी है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत है। एनओसी आते ही काम शुरू हो जाएगा, पैसे जमा हो चुके हैं, मंजूर हो चुका है, सब कुछ काम है। बाकी नेशनल हाईवे इतने बन चुके हैं कि आज आप देखिए केएमपी से लेकर के कटड़ा तक वो सफेदों में होके जा रहा है। और 152D बहुत बड़ा जो मध्य में हरियाणा के मध्य में सारे हरियाणा को जोड़ने का काम करता है, वो सफेदों में जा रहा है। इसी तरीके से आप देखिएगा सोनीपत से लेकर जींद ग्रीन फील्ड तैयार हो चुका है। और एक ये दूसरा जो चौथा जो है वो डबवाड़ी से लेकर के मेरठ तक का, उस पर भी काम शुरू हो चुका है। तो उस तरह से 7-4 सड़कें तो पूरा इनको पूरा टच करते हुए सफेदों को निकली है। तो इससे बड़ा विकास और क्या हो सकता है? सफेदों में विधायक सुभाष गांगुली लगातार कटाक्ष कर रहे हैं बीजेपी पे कि जुमलो भी सरकार है जाने वाली और कांग्रेस आने वाली। उसके कहने से क्या फर्क पड़ता है? आज कांग्रेस पार्टी धराशायी हो चुकी है जो फैसले अभी लिए हैं, जो बीसी वर्ग के बारे में है, आज उनको देखा, उनके पीछे वोट बैंक नहीं है, क्योंकि उनके पीछे आदमी सब छोड़ के जा चुके हैं। आज पिछड़ा वर्ग के भाइयों के लिए, चाहे वो बैकलॉग भरने की बात है या 15% से 27% करने की बात है या क्रीमिलेयर 6 लाख से 8 लाख बढ़ाने की बात है, तो उसे जो मुद्दाहीन हो चुकी है कांग्रेस, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो हताश और निराश। तो क्या लगता है कि नायब सैनी के नेतृत्व में बीजेपी के एक बार फिर हरियाणा में सरकार है? 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में तीसरी बार बनेगी और मुख्यमंत्री जो है वो नायब सैनी बनेगा। कोई नए मुद्दे जो लेकर आप जा सकते हो, कोई नई योजनाएं सरकार अभी लॉन्च कर सकती है? बहुत सारे मैंने विकास कार्य गांव-गांव के इकट्ठे करके वो मुख्यमंत्री जी को दिए हैं,
उनके सारे एस्टीमेट बनने के लिए बीडीओ ऑफिस में आ चुके हैं, उनके जब भी एस्टीमेट तैयार हो जाएंगे पैसा मंजूर हो जाएगा।